प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार मुजफ्फर चौधरी जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील हम सबकी चहेती नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। ये इससे भी पहले मैं जाना चाहूंगी कि भारतवासियों का दुर्भाग कहां से स्टार्ट होता है। भारतवासियों का दुर्भाग यहां से स्टार्ट होता है बदनसीबी, कि जिनको भारतवासियों ने फादर ऑफ नेशन और बापू जी बनाया, हालांकि हम लोग भारत माता बोलते हैं, तो उसका पिता कोई नहीं हो सकता। तो मैं तो गांधी जी ही बोलती हूँ, मैं बापू जी नहीं बोलती। तो गांधी जी को कभी भी भारत के 82.7% सनातनियों को उन्होंने ताकत नहीं बनाया, पर उस वक्त आजादी के वक्त जो 7 करोड़ मुसलमान भारत में थे, वो उससे डरते जरूर थे। अब इसकी मैं मिसाल दे देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारा मुसलमान कहेगा कि अरे ये तो इस्लाम के खिलाफ है। नहीं, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं, बिल्कुल भी मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप वीर सावरकर जी की बहुत सारी किताबें आई है, मैं सजेस्ट भी कर दूंगी, उनमें से 2-4 किताबें आप पढ़िए, जिसमें काफी ऑथर ने ये पुष्टिकरण किया है कि जब वीर सावरकर जी गांधी जी से ये कह रहे थे कि आप 82.7% सनातनियों को अपनी ताकत नहीं मानते, तो गांधी जी ने उनको कहा कि एक माँ के पास जब 10 बच्चे होते हैं और कोई एक बच्चा बहुत कमजोर होता है ना, तो माँ बाप उसी पर ज्यादा फोकस करता है। तो वीर सावरकर जी ने कहा कि तब तो उस हिसाब से मुसलमान 14% है और जैन बौद्ध सिख वो जो है वो तो 1% है, तो आप वो ज्यादा कमजोर है, तो आपका प्रेम तो उनके लिए नहीं दिख रहा है, आपका प्रेम तो मुसलमानों के लिए ज्यादा दिख रहा है। तो वीर सावरकर जी को कॉर्नर करने के लिए, साइड करने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों को साइड करने के लिए, भगत सिंह को फांसी के फंदे तक चढ़ाने के लिए, बिनोय बादल दिनेश को हमारे दिमाग से निकालने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी की जो हत्या शेर खान और मुगलों ने की थी उसको हमारे दिमाग से भुलाने के लिए गांधी जी ने बहुत परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया है नेहरू के साथ मिलकर के, हमें हर वीरों से दूर करने की कोशिश की गई। तो अब आप सोचिए कि भारतवासियों का दुर्भाग यहां से स्टार्ट हो गया कि हमारे बापू जी, हमारे गांधी जी, जिनको हम मत्सर मत्थे बैठा रहे थे, उन्होंने भारत में रह करके भारत के 82.7% सनातनियों को कभी भी अपनी ताकत नहीं बनाई और मुसलमानों से बेवजह डरते रहे और मुसलमानों को उनकी जहादी और जंगजू एक्टिविटीज करने के लिए उनको खुला हाथ दे दिया। अब मैं आपको एक घटना और बताती हूँ कि मुझे ये जनाजा वगैरह देख करके कुछ भी मतलब शॉकिंग नहीं फील होता है। आप याद कीजिए याकूब मेमन कि जिस सुबह में फांसी होने वाली थी, उस रात के 12 बजे एक फौज, एक काफिला वकीलों का जा पहुंचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस वक्त थे उनके पास, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंच गया और पहुंच करके दुहाई देने लगा कि वो याकूब मेमन जिसने लाखों लोगों की जान ले ली बॉम्ब ब्लास्ट करके, वो याकूब मेमन जिसने हजारों महिलाओं की मांग सुनी कर दी, वो याकूब मेमन जिसने कई बच्चों को अनाथ कर दिया, कई माओं को बेसहारा कर दिया, कई पिता को बेसहारा कर दिया, वो याकूब मेमन का मर्सी पिटिशन लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक पूरा काफिला पहुंचा रात के 12 बजे और 3:18 तक CGI को समझाता रहा कि उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसका भी आगे फ्यूचर है, अब लोग कर लो बात भैया। आगे भी अपने जिंदगी का गोल और फ्यूचर बना करके रखा है लाखों लोगों की जान लेकर। अच्छा, लोग सोचते हैं ना कि मैं बॉलीवुड से इतना चिढ़ती क्यों। बॉलीवुड के हजारों एक्टर और एक्ट्रेस जो उस जमाने में बहुत रिनाउंड हुआ करते थे, दाऊद इब्राहिम के बहुत क्लोज हुआ करते थे, दाऊद इब्राहिम के बगल में फोटो खिंचाना बहुत शान की बात समझा करते थे, उन्होंने इस मर्सी पिटिशन में साइन किया था याकूब मेमन को फांसी ना दी जाए, उसके लिए उन्होंने इस मर्सी पिटिशन में साइन किया था। अब आप सोचिए कि जब भारत ने ये सारी चीजें देख रखी हैं, भारत को ये सारी चीजें पता है, तो ये जनाजे की नमाज में हम शॉक क्यों होंगे, हम बिल्कुल शॉक। सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मेरे लिए तो ये शॉकिंग थी, लेकिन आप जैसे बता रही है उसके लिए तो बिल्कुल, आपके लिए तो ये बिल्कुल शॉकिंग नहीं है, आपके लिए तो ये रूटीन की चीजें हैं, इससे बड़े बड़े काम हो रहे हैं वहां पे, तो ये तो छोटा सा काम है, ये छोटा सा काम है।
ये छोटा सा हम काम है सोचिए बिल्कुल। कि पाकिस्तान कस्बाए हिंद बोलता है तो हम थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेते हैं, हमारे भारत में बैठ करके दारुल उलूम देवबंद जमात बोलता है कि वो करेगा गजवाए हिंद। आप सोच मतलब जिस थाली में खाता है मुसलमान भारत का उसी थाली में लुंगी उठा करके हक देता है, ये इनकी नेचर है, ये इनका फितरत है, ये किसी के नहीं हो सकते, ये किसी के भी नहीं हो सकते, ये हिंदुओं के नहीं हो सकते, ये क्रिश्चियंस के नहीं हो सकते, ये यहूदी के नहीं हो सकते, ये इंसानियत के नहीं हो सकते, ये अपने मजहब की बेटियों के नहीं हो सकते, ये अपने मजहब की औलादों के नहीं हो सकते, ये किसी के नहीं हो सकते हैं। मुसलमान पुरुष एक ऐसा पुरुष है कि इंसान किसी पर भी भरोसा कर ले, जानवरों पर भरोसा कर ले, वो वफादारी और ईमानदारी निभा देगा, लेकिन मुसलमान कभी भी वफादारी और ईमानदारी नहीं निभा सकता है, क्योंकि जैसे ही आप मुसलमान को रोटी और बोटी दीजिएगा वो सीधा आपका गला रेत करके आपको ही खत्म करने की कोशिश कर देगा। ये है मुसलमान का डेफिनेशन। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं कि दो तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि सऊदी अरब से अब रमजानुल मुबारक है, आपको पता है कि हर यहाँ से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है वो उम्रे की गर्ज से जाते हैं सऊदी अरब में, और मदीना मुनव्वरा से कल 4,000 भिखारियों को पकड़ा गया है। 4,000 भिखारियों में से अक्सरियत जो है 95% वो पाकिस्तानी है, जो वहां पर भी यहाँ से उमरा करने गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने भीख मांगनी शुरू कर दी। एक तो ये खबर है। एक खबर ये है कि प्रिया कुमारी है, एक हिंदू बच्ची है छोटी सी, ये सखर के पास रहती है, रहती थी। ये 2000 मेरे ख्याल में 21 में या 3-4 साल पहले उसको अगवा किया गया है। आज उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे सिंध के अंदर। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी उसके ऊपर आवाज उठाएं। प्रिया कुमारी एक छोटी सी बच्ची है जिसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं, मेरे आज उसके वालिद के साथ बात हुई है, बहुत परेशान था, मैंने उसको दिलासा दिया है और वादा किया कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे उसकी आवाज उसकी बेटी के लिए मैं जरूर बुलंद करूंगा। हो सकता है कि मैं एक दो दिन में वहां पर जाऊं भी और उसके साथ जाकर अपने यकजहती का इजहार करूं। बहुत परेशान है, उसकी माँ भी रो रही थी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा क्या कहना कि जब आप वहां पर जाएंगे तो उनके प्रिया के माँ बाप से, जब आप उनके माँ बाप से संपर्क करेंगे तो उस वीडियो में आप मुझे जरूर जोड़िएगा, जरूर जोड़िएगा, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के डेटास को बहुत सर्वे किया है, द औरत फाउंडेशन के डेटास को मैंने बहुत सर्वे किया है, और मुझे पता है कि 12 दिन पहले भी द औरत फाउंडेशन ने एक पिटिशन जो है वो आपकी असेंबली में सबमिट किया था कि फिर से मियां मिट्ठू को एक लक्ष्य दिया गया है कि हिंदू जितनी भी बेटियां बची हुई हैं उनको या तो निर्वस्त्र किया जाए, और निर्वस्त्र करके डरा करके उनका कन्वर्शन करवाया जाए। तो ये पाकिस्तान में हम सबको पता है कि 23.7% माइनॉरिटीज थे और आज 1% भी नहीं बचे हैं। तो ये मियां मिट्ठू ने जिस हिसाब से बहुत अहम रोल अदा किया है सारे मुसलमान बेटियों के कपड़े उतारने के लिए और तलवार दिखाकर सलवार उतारने के लिए, इस व्यक्ति के बारे में और पाकिस्तान की सरकार का असली चेहरा लोग दुनिया पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। देखिए, हम सिर्फ कहते हैं कि इस्लाम बहुत शांति का मजहब है, हम सिर्फ कहते हैं कि इस्लाम में औरतों की बहुत इज्जत है, हम कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बेटियों के लिए अपने सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, पर क्या ऐसा कुछ हम देख रहे हैं? हम तो ऐसा कुछ भी नहीं देख रहे हैं। इस्लाम मानने वालों से ज्यादा अश्लील, ठरकबाज, बेहूदा, बेशरम, लफंगा तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। मैं आपसे अभी मैं वाइजैक में थी, उसके बाद मैं विशाखापट्टनम में थी, फिर मैं कोचीन में थी, और मेरी मुलाकात एक भी मुसलमान से नहीं हुई, एक भी मुसलमान से नहीं हुई, क्योंकि बहुत अपर लेवल की मीटिंग थी, तो एक भी मुसलमान से नहीं हुई, एंड मैं अकेले थी, और सब मुझे या तो दीदी या तो मैम, किसी की भी नजर गंदी तो छोड़ दीजिए मुजफ्फर भाई, गंदी तो छोड़ दीजिए, एंड आई फील वेरी मच प्रोटेक्टिव। आखिर ऐसा प्रोटेक्टिव फील मुसलमान लड़कियां अपने ही कौम के, अपने ही मजहब के मर्दों के भीड़ में क्यों नहीं करती? क्यों नाजिया इलाही खान मुस्लिम एरिया जाने से भी डर, मतलब घबराती है? डरती तो नहीं हूं मैं, किसी के बाप से भी नहीं डरती मैं, तो क्यों घबराती है? क्योंकि मुझे पता है कि कपड़ों के ऊपर से ये बलात्कार करेंगे अपनी आंखों से,
आखिर इतने अश्लील क्यों हैं ये इस्लाम के मानने वाले? आखिर इस्लाम में हमारे अल कुरान में अच्छी बातें जो सिखाई गई हैं उसको ना सीख करके लौंडियां बांदियां 72 वर्जिन हूर और ये सारी चीजों को क्यों सीखा है सारे मुसलमान लड़कों ने? क्या वाकई में इस्लाम यही बोल रहा है कि तुम किसी का भी किसी छोटी सी 5 साल 8 साल की बच्ची के भी पिजामा का नाड़ा खोल दो? यही है इस्लाम? और अगर ये है तो बहुत गंदा इस्लाम है, बहुत खराब है, बहुत अश्लील है इस्लाम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें नाजिया खान जी ने खासकर भारत में रह रहे मोमिनों, खासकर उनकी बात की जो मुख्तार अंसारी के जनाजे में पहुंचे थे, उनकी पोल खोल के रख दी और उनपे जम के बरसी और खासकर पाकिस्तान को लपेटे में लिया और पाकिस्तान को भी उधेड़ के रख दिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।